हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग विनीत उत्कर्ष शावक आयुष गुड मॉर्निंग बच्चे गुड मॉर्निंग अनुज आंसर बताइए मुझे कल के पहले रिवीजन कर लेते हैं कल के करंट अफेयर का ठीक है गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग देखिए आपको बताना है उस कमांडर का नाम जो भारतीय नौसेना में युद्ध पोत की मतलब कि जो नेवल वेसल्स होते हैं उनकी कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। बताइए उनका नाम नाम बताइए इनका चलिए देखिए आपको नाम याद रखना है पहली महिला ऑफिसर पहली जो है नेवल ऑफिसर हैं जिनके द्वारा नेवल वेसल की कमान संभाली गई है नाम क्या है बच्चे इनका इनका नाम है प्रेरणा देवस्थली ठीक है प्रेरणा देवस्थली इनका नाम याद रखना ठीक है अगला है आपका इंडोनेशिया के पश्चिम सुमात्रा प्रांत में एक नया ज्वालामुखी नहीं एक जो है आपका पुराना ज्वालामुखी ये इरप्ट हुआ है ठीक है ज्वालामुखी फट गया है आपको उसका नाम बताना है कौन सा ज्वालामुखी है जो कि इंडोनेशिया में है जिसमें हाल ही में विस्फोट देखने को मिला है इंडोनेशिया जो है यह आपका प्रशांत महासागर में आता है और प्रशांत महासागर में जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है जहाँ पे बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं उस एरिया में आता है ठीक है बताइए कौन सा था इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी हाल ही में देखा गया है जिसमें इरप्ट हुआ है ज्वालामुखी फट गया है नाम क्या था इसका वेरी गुड ये है आपका ठीक है नाम याद रखना इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया की लोकेशन आपको याद रखनी है ये जो बच्चे आपको रिंग ऑफ फायर दिख रहा है जहां कि बहुत सारी एक्टिव वॉल्केनो पाई जाती हैं उनमें से ये आपका यहाँ पर आता है ठीक है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो आपका जगह है ठीक है अगर आप देखें तो ये साउथ एशिया वाला क्षेत्र है वहाँ पे आपका एक द्वीपीय देश है जिसे इंडोनेशिया कहते हैं अगला है आपका फिनटेक कंपनी का नाम बताइए जिसके द्वारा अपने कस्टमर्स के लिए ठीक है ऐसे कस्टमर जो कि साइन का इस्तेमाल करते हैं साइन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए एक वीडियो सांकेतिक भाषा वीडियो सांकेतिक भाषा को लेकर के जो है इन्होंने एक सर्विस शुरू की है केवाईसी करने के लिए ठीक है बताइए इस कंपनी का नाम कौन सी कंपनी है कौन सी फिनटेक कंपनी 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 है है ये है? ये कौन सी फिनटेक फिनटेक बच्चे के द्वारा ओन की जाती है ठीक है इन्होंने 2007 में इसे बनाया है और नाम क्या है अमेजन पे अमेजन पे अपने कस्टमर्स के लिए क्या किया गया है एक वीडियो वीडियो सांकेतिक भाषा वीडियो साइन लैंग्वेज वाला सर्विस शुरू किया गया है अगली है आपकी आदित्य बिड़ला आदित्य बिड़ला के द्वारा एक नया हेल्थ इंश्योरेंस नए प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस जो है लॉन्च किया है उसका नाम बताइए इसकी खासियत क्या है इसमें आपको 100% परसेंट जो हेल्थ रिटर्न है वो मिलेगा ठीक है 100% परसेंट जो आपका प्रीमियम होगा वह आपको वापस मिल जाएगा बताओ नाम क्या है किस नाम से आदित्य बिड़ला के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है आदित्य बिड़ला के द्वारा एक नया हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया गया है और इसका नाम क्या है एक्टिव वन वेरी गुड इसका नाम है बच्चे एक्टिव वन ये हेल्थ इंश्योरेंस है आदित्य बिड़ला के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसकी खासियत क्या है हंड्रेड परसेंट हेल्थ रिटर्न आपको मिलेगा अगला है आपका कैप्टन उस कैप्टन का नाम बताइए जो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र यानी कि सियाचिन सियाचिन ग्लेशियर ग्लेशियर में ग्लेशियर में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है मेडिकल ऑफिसर इनका नाम बताइए बच्चे एक आपको प्रेरणा देवस्थली का नाम याद रखना है ठीक है ऑफिसर है और किसी सिप की

पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग में बेसमेंट में एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है एक म्यूजियम बना है पश्चिम बंगाल में और अब इससे बातें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया होगा मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी ठीक है इनके द्वारा यहाँ पे एक म्यूजियम लॉन्च किया गया है म्यूजियम का इनोग्रेशन किया गया है और इस म्यूजियम की खासियत क्या है बच्चे कि जब ब्रिटे जब ब्रिटिश की कैपिटल जो है यहाँ पे हुआ करती थी तो उस दौरान जो विधानसभा की पूरी कार्यकाल जो पूरा प्रोसीजर है विधान परिषद का कामकाज है या फिर विधानसभा

स्वदेश निर्मित पूरी तरीके से भारत में बना हुआ है और ये वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है इसका नाम बताइए इसका इनोग्रेशन हरियाणा में किया गया ठीक है और ये जो है आपका जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहां पर इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है ये एक समय में 200 से ज्यादा लोगों को ठीक कर सकता है ठीक है दो से ज्यादा लोगों को मरीजों को अटेंड कर सकता है बताइए एक घंटे के भीतर किसी भी आपातकालीन स्थिति में इसे स्थापित किया जा सकता है ठीक है इसका नाम बताइए दुनिया का पहला है बच्चे। आरोग्य मैत्री क्यूब और पे से इनोग्रेट किया गया हरियाणा में हरियाणा के गुरुग्राम में नाम इसका याद रखना इसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब ठीक है दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है इंडिया के द्वारा बनाया गया है पूरी तरीके से अगला है आपका भारतीय वन सेवा अधिकारी इनका नाम बताइए जिन्हें की भारतीय की अनुसंधान शिक्षा परिषद यहां पे महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है खास बात क्या है कि इस पद पर नियुक्त होने वाली यह पहली भारतीय महिला है ठीक है इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला है नाम बताइए बच्चे इनका गीतिका कौल प्रेरणा देवस्थली और इनका नाम आपको याद रखना है ठीक है कल हमने तीन महिलाओं के बारे में पढ़ा अपने अपने फील्ड में इन्होंने पहली पहली बार जो है आ, पहली पहली बार कुछ हुआ है कंचन देवी वेरी गुड इनका नाम है कंचन देवी कंचन देवी, कंचन देवी देवी वेरी गुड बच्चे ठीक है मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की जो भारतीय वन अधिकारी है और इन्हें जो है आपका भारतीय की वन अनुसंधान शिक्षा परिषद आई सी एफ आर ई यहां पर महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अगला आपका कौन सा ई कॉमर्स कंपनी है जिसने दो तक ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी आप पूछ रहे थे किसके लिए ऑस्ट्रेलिया के ओनली ठीक है ऑस्ट्रेलिया के लिए आईसीसी क्रिकेट अधिकार हासिल कर लिए हैं बताओ कौन सी कंपनी है बच्चे ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन तक अमेजन प्राइम कौन सा ई कॉमर्स कंपनी है ये अमेजन ठीक है अमेजन प्राइम को ऑस्ट्रेलिया में प्रसारण के लिए जो भी आप ये आपके आने वाले जितने भी आपके बड़े बड़े चैंपियनशिप है क्रिकेट को लेकर के वो सारे के सारे जो है आपको अमेजन पे ऑस्ट्रेलिया पे देखने को मिलेंगे ठीक है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए है ये और अमेजन पे ने ये बिट जीती है अगला एक समिट या कॉन्फ्रेंस का नाम बताइए जिसका आयोजन इस बार भारत में होने जा रहा है चार दिन चार दिसंबर से लेकर के बचे आपका छह दिसंबर तक हुआ है ये ठीक है इसका नाम बताइए जिसका उद्घाटन एस जयशंकर के द्वारा किया गया यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट ठीक है इसे याद रखना ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट इस बार भारत के द्वारा होस्ट किया जा रहा है ठीक है और ये होगा कहाँ पे ये आपका नई दिल्ली में नई दिल्ली में हो चुका है ठीक है नई दिल्ली में हुआ है और इसे इनोग्रेट किया है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने चलिए अब आज की न्यूज पे आते हैं सबसे पहले आपका स्टेट है तेलंगाना जहाँ जहाँ पर बच्चा चुनाव हुए हैं वहां वहां पर जो है आपके नए मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति होगी या फिर पुराने जो मुख्यमंत्री हैं वही जो है दोबारा से शपथ लेंगे तो जैसे जैसे यहाँ पे आपका नाम रिवील होता जाएगा मुख्यमंत्रियों का वो आपको याद कर लेने हैं ठीक है ठीके? तो सबसे पहले बच्चे नाम रिवील हो गया है तेलंगाना तेलंगाना में कौन सी पार्टी जीती है कांग्रेस ठीक है तेलंगाना में कांग्रेस जीती है यहाँ पर असेंबली इलेक्शन अभी हुए हैं ठीक है कांग्रेस के द्वारा 64 सीटों पे जो है यहाँ पे जीत दर्ज की गई है उसके अलावा आपको याद रखना है उस पर्सनैलिटी का नाम जो कि अब यहाँ के आने वाले सीएम होने वाले हैं इनका नाम है रेवंत रेड्डी ठीक है इनका नाम है रेवंत रेड्डी और ये जो है अब अगले मुख्यमंत्री होंगे तेलंगाना के ठीक है तो इनका नाम थोड़ा सा याद रखना तेलंगाना स्टेट है बच्चे नया आ, नया स्टेट है ठीक है सबसे नया राज्य बना हुआ है तो इसका नाम याद रखना और यहाँ पे कौन सी पार्टी जीती है कौन यहाँ पे जो है सीएम होने वाले हैं इनका आपको याद रखना है अगला स्टेट है जहाँ के होने वाले चीफ मिनिस्टर का नाम रिवील हो गया है वो है आपका मिजोरम मिजोरम में जीत दर्ज की है जेड ने जोरम पीपल्स मूवमेंट यह अभी नई नवेली पार्टी है ये भी आपकी दो में ही बनी है ज्यादा समय नहीं हुआ है पार्टी को बने हुए ठीक है तो जो इस पार्टी के लीडर हैं जिनका नाम है आपका लाल दोमा ठीक है इनका नाम है बच्चे लाल दोमा ये जो है मिजोरम के अगले मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे तो दो पर्सन का नाम आपको याद रखना है एक तो रेवंत रेड्डी तेलंगाना के लिए याद रखना है एक आपको मिजोरम के लिए याद रखना है लाल दोमा ठीक है लाल दोमा इनकी पार्टी कौन सी है इनकी पार्टी है जोरम पीपल्स मूवमेंट ठीक है तो ये ना तो बीजेपी ना तो कांग्रेस नई पार्टी है जोरम पीपल्स ठीक ट्वेंटी सेवन सीट पे जो है है इन्होंने जीत हासिल की है, और ये नई पार्टी है बच्चे जो इसने का है, इस बार अगला है आपका कॉप ट्वेंटी और आपकी न्यूज आई है बच्चे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ट्वेंटी जो इस बार यूए के द्वारा होस्ट किया गया यहाँ पे एक डिक्लेन हुआ सीओपी ट्वेंटी एट डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ ठीक है अब इस डिक्लेरेशन में इस घोषणा पत्र में क्या था कि 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी होगी किसी भी देश में वो जो है 2030 तक ट्रिपल होनी चाहिए ठीक है तो ये घोषणा पत्र था लेकिन भारत ने भारत ने जो है इस पे साइन करने से इनकार कर दिया इस पे 118 देशों के साइन है अब ये मीटिंग खत्म होते होते अगर आप देखें तो 118 देशों के द्वारा इस घोषणा पत्र को साइन किया गया है लेकिन भारत के द्वारा इसे साइन नहीं किया गया है क्योंकि इंडिया के द्वारा यह कहा गया है कि दो का जो समय है ये बहुत कम है ठीक है अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने के लिए जो समय दिया गया है इस घोषणा पत्र में वो बहुत कम है तो इसे जो है साइन करने से इनकार कर दिया है ठीक है आपको रीजन याद रखना है और डिक्लेशन याद रखना है सी ओ पी ट्वेंटी एट सी पी ट्वेंटी एट क्या है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यू एन एफ सी सी यू एन एफ सी सी बच्चे क्या है यूनाइटेड नेशन का एक क्या है ऑर्गेनाइजेशन है सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा क्लाइमेट चेंज पे जो है हर साल एक मीटिंग होती है एक आपका समिट होता है जिसे सी पी कहा जाता है ठीक है तो इस बार का जो सी पी है वो आपका सी ओ पी ट्वेंटी एट है ये होस्ट किया था यू ए ने ठीक है यू ए में ये हुआ था और यू ए में ये मीटिंग खत्म होते होते है. ये जब शिखर सम्मेलन समाप्त हुआ तो यहाँ पे घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें जो मेंबर कंट्री होंगे उन्हें साइन करने के लिए कहा गया ठीक है तो जब बच्चे साइन कर देता है कोई भी देश तो उसके लिए थोड़ा सा ये बाध्य हो जाता है कि यहाँ पे जो बातें कही गई हैं वो जो है उन्हें अचीव करनी ही करनी है लेकिन इंडिया के द्वारा इसमें साइन करने से रिफ्यूज कर दिया गया है क्योंकि हमारे जो जो यहाँ पे बच्चे जो जो भी डेलीगेट डेलीगेट रहे होंगे उनके द्वारा कहा गया कि टाइम जो है बहुत कम है ठीक है तो ये थोड़ा सा घोषणा याद रखना है कि क्या था इस घोषणा पत्र में ट्रिपल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 2030 से पहले पहले क्या करना है अपनी रिनेबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो क्या करनी है ट्रिपल करनी है तीन गुना करनी है ठीक है तो ये थोड़ा सा याद रखना है अब जी हमारे देश में तो आपको पता है कि कोल कोयला जो कोयला है ये नॉन रिन्यूएबल है और अभी जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर ऊर्जा का जो स्रोत है हमारे देश में वो 50 परसेंट से ज़्यादा जो एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोयला से आ रहे हैं ठीक है 2030 ज़्यादा दूर नहीं है तो टाइम बहुत ज़्यादा कम है अपने रिन्यूएबल सोर्सेज को ट्रिपल करने के लिए ठीक है तो ये आपको यादनीय न्यूज़ सी ओ पी से रिलेटेड अगली न्यूज़ है आपका एग्रीमेंट बहुत समय बाद हम एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं एक आपका अफ्रीकन कंट्री है जिसका नाम है केन्या ठीक है कैन्या अफ्रीकन कंट्री है यहाँ के प्रेसिडेंट बच्चे भारत के दौरे पे थे ठीक है इनका नाम है विलियम सामोई रूटो कैन्या के राष्ट्रपति इनका नाम है विलियम सामोई रूटो भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे और यहाँ पे यहाँ पे पहुंचने के बाद में इन्होंने बच्चे एक समझौते पर हस्ताक्षर किए ठीक है समझौते में जो है आपका पांच समझौते थे टोटल पांच एग्रीमेंट थे पांच एग्रीमेंट अलग अलग सब्जेक्ट्स रिलेटेड है जैसे कि आपका खेल हो गया आईटी सेक्टर हो गया ठीक है सिक्सा एजुकेशन हो गया तो इन चीजों को लेकर के ले जो है टोटल पांच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं ठीक है आपको ये याद रखना है और अगर केन्या के साथ में अगर केन्या की इंपॉर्टेंस अगर हम देखें केन्या के लिए भारत की इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो केन्या का बच्चे जो सबसे ज्यादा ट्रेड होता है ना ये सबसे ज्यादा होता है चाइना के साथ में दूसरे नंबर पर आता है यूएसए ठीक है और तीसरे नंबर पर आते हैं हम तो कन्या के लिए हमारी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ये थोड़ा सा याद रखिएगा ठीक है केन्नई के लिए हम जो है तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है ठीक है ट्रेड जो करते हैं ये लोग तो सबसे ज्यादा जो कंट्री है जिनके साथ में ट्रेड होता है इनका पहले नंबर पर चाइना है उसके बाद में यूएसए और तीसरे नंबर पर इंडिया है ठीक है तो ये याद रखना है केन्नई के राष्ट्रपति आपको याद रखना है विलियम समोई रूटो भारत की यात्रा की इन्होंने और इस यात्रा के दौरान पांच समझौते पे जो है साइन किए गए हैं पांच अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड जो है समझौते हैं खास करके इसमें जो स्पेशल जो आपके सब्जेक्ट है वो आपका स्पोर्ट्स हो गया आईटी सेक्टर हो गया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और शिक्षा हो गया एजुकेशन ठीक है केन्या को देखिए आप तो, दुनिया के नक्शे पे ये रहा आपका केन्या ये अफ्रीकन कंट्री है ठीक है ये बच्चे आपका अफ्रीकन कंट्री है ये देख रहे हैं आप लोग और यहाँ की आप लोग कैपिटल देखिए कैपिटल इसकी नैरो भी यहाँ देखिए ये इसका कैपिटल है ठीक है कैपिटल भी याद रखना केन्नई के जो कैपिटल है वो आपका नेरो भी है और ये जो है इंडियन ओशियन के तट पे जो है आपका बसावा एक देश है यहाँ पे देख रहे हैं आप हिंद महासागर है इंडियन ओशियन है उसके तट पे जो है ये बसावा एक कंट्री है ठीक है तो ये थोड़ा सा याद रखना अफ्रीकन कंट्री है इसकी कैपिटल याद रखनी है आपको नेहरो भी यहाँ के जो राष्ट्रपति है विलियम समोयूरूटो याद रखने हैं और इस देश के साथ में क्या डेवलपमेंट है इंडिया का वो याद रखना है हमारी इंपॉर्टेंस उनके लिए याद रखनी है ठीक है ये याद रखना अगला है आपका आई एन एस संध्याक आई एन एस बच्चे इसे जो है भारतीय नौसेना के द्वारा अभी कुछ समय पहले डी कमीशन कर दिया गया था सेवानिवृत्त कर दिया गया था ठीक है अब इसे दोबारा से, से तैयार किया गया है आई एन को अभी मैं बताऊंगी ये है क्या चीज ठीक है आई एन किसने बनाया इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा जो है इसे रीडेवलप किया गया है दोबारा से बनाया गया है और अब जो बच्चे ये बना है तो ये अभी तक का भारत का अभी तक का निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है ठीक है सबसे बड़ा सर्वेइंग वेसल है जिसके द्वारा सर्वे किया जाता है ठीक है ऐसा आपका सिप है जिसके द्वारा सर्वे किया जाता है है और अभी तक भारत में निर्मित ये सबसे बड़ा सर्विंग वेसल है ठीक है सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है ये याद रखिएगा तो किसके लिए बनाया है इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है किसने बनाया है गार्डन रीच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया है ये कंपनी बच्चे बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहती है ठीक है हमारे जितने भी <coughs> नेवी के खास करके जो नेवी के जो आपके ये इक्विपमेंट होते हैं ठीक है या फिर जो आपके ये आ, वाह वाहन होते हैं वो अधिकतर जो है इनके द्वारा बनाए जाते हैं या तो कोची सी बिल्डर्स से ठीक है या तो आपके गार्डन रिच सी बिल्डर्स से ठीक है तो इस कंपनी को याद रखिएगा कहाँ की ये कंपनी ये आपकी कोलकाता बेस्ड कंपनी है ठीक है कोलकाता बेस्ड कंपनी है और इन्होंने जो है हमारी इंडियन नेवी के लिए भारतीय नौसेना के लिए आई एन एस संध्या को दोबारा से पुनर्जीवित किया है और ये जो है अब बनने वाला भारत में बनने वाला सबसे बड़ा सर्विंग वेसल है नाम याद रखना और क्या चीज है ये आपको याद रखनी है आईना संदिया क्या है ये क्या है एक सर्वेइंग Vessel है सर्वेक्षण पोत है और खासियत क्या है कि ये जो है सबसे बड़ा पूरी तरीके से भारत में बना हुआ सबसे बड़ा सर्वेइंग Vessel है ठीक है तो इसे थोड़ा सा याद रखना और इसका जो डिजाइन है या फिर इसका निर्माण है ये पूरी तरीके से इसी कंपनी के द्वारा किया गया है अगला है आपका इकॉनमी एस एन पी एस एन पी बच्चे एक ग्लोबल रेटिंग कंपनी है जो कि अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी को उनके डेवलपमेंट के हिसाब से उनके जीडीपी के हिसाब से क्या करती है रेट करती है किसका इकोनॉमी कितना अच्छा काम कर रहा है ठीक है तो एस एन पी अमेरिका की कंपनी है अमेरिका बेस्ड कंपनी है इनके द्वारा एक घोषणा की गई है या फिर कहिए भविष्यवाणी की गई है इन्होंने कहा है कि भारत जो है आपका दुनिया का तीसरी दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी दो तक ठीक है ट्वेंटी थर्टी तक अगर सेम जीडीपी जो ग्रोथ रेट है उससे चलते रहे तो हमारी जो जी हम हमारी जो इकोनॉमी है वो ट्वेंटी थर्टी तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी ठीक है किसने कहा है एस ने कहा है अब इनके द्वारा बच्चे जो अलग अलग भविष्यवाणी की गई है सबसे पहले तो है कि दो हजार का जो साल आएगा इसमें हमारी जो ग्रोथ रेट होगी जी ग्रोथ रेट वो कितनी होगी सिक्स होगी ठीक है उसके बाद जो है आपका छब्बीस सत्ताइस का जो साल है इसमें इन्होंने कहा है कि सात प्रतिशत तक जो है हमारी जी जीपी ग्रोथ रेट चली जाएगी और उसके बाद में 2030 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएंगे ठीक है ये थोड़ा सा कंपनी का नाम याद रखना है एसएनपी की डिक्लेशन है एसएनपी की भविष्यवाणी है ठीक है और कब तक 2030 तक कौन से नंबर पे आ जाएंगे तीसरे नंबर पे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगी देश ठीक है अगला है आपका एक समिट आपको याद रखना है आईआईजीएफ आई का तीसरा संस्करण पांच दिसंबर को नई दिल्ली में व्यापक विषय अब इसका सब्जेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है बस इतना याद रखिएगा आई का तीसरा एडिशन या फिर तीसरा जो समिट है वो आपका नई दिल्ली में हुआ है ठीक है नई दिल्ली में हुआ है और आई क्या है आई बच्चे आपका इंटरनेट गवर्नेंस फोरम ठीक है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है और ये जो है आपका एक बहु कारिक मंच है मतलब इंटरनेट से रिलेटेड जो भी आप एक तो आपका प्राइवेट सेक्टर का सर्विस है इंटरनेट सर्विस है एक आपका जो है सरकारी सेक्टर का है ठीक है गवर्नमेंट सेक्टर का है तो इसमें क्या होता है ये एक प्रकार का एक मंच एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं और जो आपके सरकारी सेक्टर के लोग हैं या फिर गवर्नमेंट है ठीक है कंपनियाँ हैं उन्हें जो है इनवाइट किया जाता है और इंटरनेट में और क्या ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकते हैं इस पर जो है डिस्कस किया जाता है ठीक है तो आई याद देखिएगा इंटरनेट गवर्नेंस फोरम ठीक है इसकी जो है आपकी पांचवा संस्करण तीसरा संस्करण जो है आपका नई दिल्ली में होने जा रहा है ठीक है हो चुका है तो ये थोड़ा सा याद रखना इसे ठीक है आईजीएफ का इस बार का जो एडिशन है इस बार का जो समिट है ये नई दिल्ली में हुआ है ठीक है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आई इसका फुल फॉर्म भी याद रखना आई इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इसका इस बार का जो आ, सेमिनार है जो समिट है वो कहां पे हुआ है नई दिल्ली में चलिए अब यहाँ पे आज की न्यूज़ आपके समाप्त होती है बच्चे अब है मॉडर्न हिस्ट्री मुझे क्वेश्चन का आंसर बताइए दो आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं बच्चे सबसे पहला है आपका किसके बारे में है चंपारण सत्याग्रह सत्याग्रह के बारे में है यह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया है पहला भारत का सविनय अवज्ञा आंदोलन था ठीक है यह बिहार के बिहार के चंपारण जिले में बटाईदार किसानों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था ठीक है तो चंपारण सत्या सत्याग्रह के बारे में इनमें से कितनी बातें सही हैं पहला वाला कह रहा है कि ये जो है पहला भारत में गांधी जी का पहला सिविल डिस मूवमेंट था सविनय अवज्ञा का मतलब है कि जिसमें उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था ठीक है दूसरा क्या कह रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट था ये जो सत्याग्रह था ये जो है बिहार में जो टेनेंट थे जो बटाईदार थे उनके खिलाफ किया गया जो है आपका एक विरोध था तो बताइए कौन सी बातें सही हैं सत्या चंपारण सत्याग्रह के बारे में सिर्फ एक चंपारण सत्याग्रह के बारे में दोनों बातें सही है बच्चे बोथ वन एंड टू ठीक है दोनों बातें किस तरीके से सही हैं कि सबसे पहले जब गांधी जी आए अभी हम चलते हैं उधर ही कल हम जो है कहां पर कहाँ पे छोड़ा था मैंने दोनों बातें सही है भी मैं बताती हूँ हमने कल दो नाइनटीन तक देखा था 1916 1916 में क्या हुआ है बच्चे 1916 में जो मुस्लिम लीग है और जो आपका कांग्रेस है दोनों में जो है आपका समझौता हो गया है ठीक है अब दोनों ने दोनों ही जो है इस बात पे सहमत हो गए हैं कि अब जो आपका नेशनल मूवमेंट चलेगा अंग्रेजों के खिलाफ जितने भी आंदोलन होंगे वो दोनों साथ मिलकर करेंगे ठीक है तो इसके बाद में क्या होता है इसके बाद में बच्चे आपका 1970 में जो उस समय के जो आपके आ, अधिकारी थे सचिव थे ब्रिटिशज़ के मॉन्टेग्यू चम्सपोर्ट मॉन्टेग्यू चम्पोर्ट जो ये सॉरी वायसराय थे मॉन्टेग्यू चम्पोर्ट के द्वारा जो है एक डिक्लेशन किया जाता है एक घोषणा की जाती है जिसे हम अगस्त डिकलेशन कहते हैं 1917 का ठीक है ये कहते हैं जब हिंदू मुस्लिम एकता को देखने के बाद में 1916 का जो आ, आपका लखनऊ पैक्ट हुआ था उसके बाद में जो है ये कहते हैं कि हम जो है भारत को जो सत्ता हस्तांतरण है वो देने को तैयार है उन्हें जो है उनका स्वशासन देने को तैयार है लेकिन धीरे धीरे ठीक है भारत को उनका स्वशासन दिया जाएगा लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे दिया जाएगा ठीक है तो यही जो है अगस्त डिक्लेरेशन में था 1917 में ठीक है इसी समय जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन होता है नाइनटीन का कलकत्ता में होता है ठीक है और यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट बनती है यहाँ की अध्यक्षता करती है एनी बेसेंट एनी बेसेंट जो है इसकी अध्यक्षता करती हैं और इसमें खास बात क्या है पहली बार बचे आईएनसी के किसी अधिवेशन में अध्यक्षता किसी महिला के द्वारा की जा रही है ठीक है तो पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की इनका नाम आता है एनी बेसेंट का कलकत्ता अधिवेशन था साल था उन्नीस का ठीक है उसके बाद आइए गांधी जी पे अब गांधी जी को हमने कल कहाँ पे छोड़ा था हमने पढ़ा था कि 1916 में जो आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था वहाँ पर गांधी जी पहली बार मिले किससे जवाहरलाल नेहरू से और उसी अधिवेशन में बच्चे एक और व्यक्ति से मिलते हैं 1916 में ही उस अधिवेशन में गांधी जी से मिलने के लिए बिहार से कोई आया है जिनका नाम है आपका राजकुमार शुक्ल ठीक है तो राजकुमार राजकुमार जो शुक्ल हैं वो गांधी जी से मिलते हैं और बताते हैं कि बिहार में जो है किसानों के साथ में किस तरीके से एक तीन कठिया पद्धति है उसके नाम पे जो है क्या किया जा रहा है जबरन जो है आपका ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है ठीक है तो वो जो है इन्वाइट करते हैं गांधी जी को कि आप आइए बिहार में और वहां पर जो ये काम चल रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाइए तब जाते हैं गांधी जी नाइनटीन में उन्नीस में कहा चंपारण चंपारण कहा बिहार में और वहां पर पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं भारत इससे पहले वो साउथ अफ्रीका में कर चुके हैं लेकिन भारत में पहली बार हो रहा है 1917 में ठीक है तो अप्रैल का महीना है चंपारण सत्याग्रह होता है बिहार में और उसमें वो सक्सेसफुल भी रहते हैं ठीक है उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाती हैं ठीक है ठीके? उसके बाद में बच्चे आपका फिर से वापस आते हैं गुजरात और जून के महीने में साबरमती आश्रम की स्थापना होती है अब साबरमती आश्रम की स्थापना जो है इससे पहले हमने एक सत्याग्रह आश्रम पढ़ा था 1915 में ज, जब वो आते ही स्टार्टिंग में जब भारत पहुंचते ही है, तो जो है आपका एक कोचराब नाम की जगह है आपके गुजरात में वहां पे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की जाती है नाइनटीन में और उसके बाद में वही जो सत्याग्रह आश्रम है वो शिफ्ट कर दिया जाता है ठीक है जून उन्नीस में उसे शिफ्ट किया जाता है कहाँ पे ये साबरमती नदी के किनारे जिसे हम साबरमती आश्रम के नाम से जानते हैं तो कोई नया आश्रम नहीं बनता है जो पुराना वाला था सत्याग्रह उसी को किया जाता है है 1917 में ठीक ये हो गया गांधी जी का उसके बाद 1918 में इतना कुछ खास नहीं हुआ कांग्रेस में भी और रेस्ट ऑफ इंडिया में भी ब्रिटेन ने भी कुछ खास नहीं किया लेकिन गांधी जी को एक और आपका मूवमेंट मिल जाता है वो है खेड़ा सत्याग्रह खेड़ा नाम की जगह कहां पर गुजरात में है खेड़ा सत्याग्रह भी बचे खेड़ा नाम के जो जगह है गुजरात में वहाँ पर जो है आपका आ, महामारी फैली थी प्लेग की ठीक है और उसके बाद में जो है जो वहाँ के जमींदार थे उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था ठीक है टैक्स बढ़ाने के कारण जो है वहाँ के किसान जो है विद्रोह कर रहे थे ठीक है तो वहाँ के जो किसान थे वो विद्रोह कर रहे थे और उसमें जो है लीड कर रहे थे वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वहाँ पे एक जैसे हम कहते हैं ना कि ग्राउंड के नेता थे ठीक है लेकिन इसमें जो आपका स्पिरिचुअल लीडर जिसे हम कह सकते हैं

1918 में ही जो है आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक यहां पे जो है आपका मिल में काम करने वाले जो मजदूर हैं वो अपने वेतन को बढ़ाने को लेकर जो है स्ट्राइक कर रहे हैं ठीक है और इसमें गांधी जी क्या करते हैं सबसे पहली बार जो है इनके द्वारा क्या, क्या जाता है स्ट्राइक की जाती है ठीक है सबसे पहली बार जो है भूख हड़ताल करते हैं ये कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहली बार जो है भूख हड़ताल कब की थी गांधी जी ने तो नाइनटीन का उन्नीस में जो अहमदाबाद मिल आंदोलन था उसमें इन्होंने सबसे पहली बार इसका प्रयोग किया था ठीक है तो ये तीनों आपको याद रखना है

रॉलेट एक्ट आया मार्च 18 1919 में जिसमें कि ये कहा गया कि अगर किसी पे शक है ब्रिटिश को अगर किसी पे शक है शक के आधार पर ही जो है किसी को हिरासत में लिया जा सकता है ठीक है ना ही जो है उन्हें अपनी वकील करने की और दलील देने की ना वकील ना दलील ठीक है किसी कि, किसी भी चीज की अनुमति नहीं है तो इसे काला कानून कहा गया और उसके बाद में जो है आपका इसके विरोध में अलग अलग जगह ठीक है इसके विरोध में जो है अलग अलग जो कांग्रेस लीडर थे उनके द्वारा जो है आपका इसका विरोध किया गया और इसी विरोध में बच्चे ये जा ही रहे थे गांधी जी जो है ये हरियाणा से जो है पंजाब की तरफ जा रहे थे और उन्हें बीच में ही आपका एक स्टेशन आता है जिसे कहते हैं पलवल स्टेशन ठीक है हरियाणा में है पलवल स्टेशन यहीं पे जो है इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है ठीक है इनकी गिरफ्तारी हुई थी 10 अप्रैल को ठीक है और 10 अप्रैल के बाद में बचे आपका इनकी गिरफ्तारी जब हुई तो 13 अप्रैल को इनकी गिरफ्तारी हुई है साथ ही में जो है आपका पंजाब वाला जो क्षेत्र है पंजाब में जो है आपके दो जो मेन लीडर थे एक तो आपके सईफुद्दीन किसलू थे एक आपके सत्यपाल थे ठीक है तो दोनों के जो है आपकी गिरफ्तारी हो जाती है और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में वहां गांधी जी गिरफ्तार हो गए यहाँ पे जो आपके लोकल लीडर हैं वो गिरफ्तार हो गए तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जो है आपकी एक जनसभा बुलाई

ठीक है जलियावाला बाग के बाद में ही आपका साल का अंत होते होते 1919 में जो है खिलाफत मूवमेंट भी पूरी दुनिया में शुरू हो चुका है इस्लामिक जो लोग हैं उनके द्वारा ये शुरू किया गया और भारत में भी आपका शुरू होता है ठीक है मुझे ये बताइए कि खिलाफत आंदोलन भारत में किस के द्वारा शुरू किया गया था उसके बाद में ये गांधी जी के पास गए थे इन, आई का सहयोग लेने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का सहयोग लेने के लिए ठीक है गांधी जी ने इन्हें सहयोग भी किया उन्नीस उन्नीस का देखिए बच्चे जो आपका अमृतसर अमृतसर वाला जो अधिवेशन है इसके अध्यक्षता कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के द्वारा जो है आपका सपोर्ट जो है आपका किया गया खिलाफत मूवमेंट को ठीक है तो ये किसके कहने पर किया गया था महात्मा गांधी के ही कहने पर किया गया था मुझे उन दो व्यक्तियों का नाम बताइए जिनके द्वारा लीड किया गया भारत में खिलाफत मूवमेंट नाइनटीन से नाइनटीन तक चला था ये बताओ जल्दी से बताइए एक और आता है आपका यंग इंडिया ठीक है बहुत बार पूछी जाती है पुस्तक यंग इंडिया अब यंग इंडिया के बारे में क्या है बच्चे दो प्रश्न आते हैं दोनों में कंफ्यूज हुआ जाता है कई बार यंग इंडिया क्या है एक बुक है ठीक है जिसे लाला लाजपत राय ने लिखा था किसने लिखा था लाला लाजपत राय ने लिखा था लेकिन लेकिन उन्हें पब्लिश किया था 1919 में गांधी जी ने ठीक है तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा इसके बारे में यंग इंडिया जो बुक है ये लिखी तो थी लाला लाजपत राय ने इसे पब्लिश जो है धीरे 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 जो है इसके अलग अलग पार्टों में पब्लिश किया था महात्मा गांधी ने ठीक है तो दोनों का नाम इससे रिलेटेड याद रखिएगा एम के गांधी और लाला लाजपत राय लिखी थी लाला लाजपत राय ने और इसे पब्लिश किया था महात्मा गांधी ने ठीक है दोनों बातें याद रखना इसके बारे में अब आता है आपका खिलाफत मूवमेंट हो गया नाम याद है आपको दोनों के अली ब्रदर्स वेरी गुड मोहम्मद अली शौकत अली दोनों भाइयों के द्वारा बच्चे इसे यहाँ पे लीड किया गया था ठीक है लीड का मतलब है शुरुआत इनके द्वारा की गई थी ठीक है तो खिलाफत मूवमेंट आपको याद रखना है उसके बाद में आता है 1920 सौ बीस का वर्ष अब ये जो आपका यहाँ पे अमृतसर जो अधिवेशन होता है यहाँ पे इनके द्वारा एक तो इन्होंने सपोर्ट किया किसको खिलाफत मूवमेंट को और दूसरा बच्चे उन्नीस में जो है आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट दोनों को साथ चलाने की भी बात की गई नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट मतलब क्या है आपका असहयोग आंदोलन ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है नाइनटीन में ठीक है और इसका जो रिजोल्यूशन uh, है प्रस्ताव है वो आपका लाया जाता है कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी लाला लाजपत राय ने की थी ठीक है तो महात्मा गांधी का जो ये मूव था महात्मा गांधी का जो आंदोलन है असहयोग आंदोलन इसका प्रस्ताव आपका कलकत्ता अधिवेशन में आता है इसके अध्यक्षता की जाती है लाला लाजपत राय के द्वारा ठीक है ये टाइम पीरियड बच्चे बहुत हम आसानी से पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हैं ठीक है ठीके? बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हैं ये स्वयं में आपका एक पूरा चैप्टर है रोल्ट एक्ट का और ये जलियावाला बाग महसेकर का ठीक है जलियावाला बाग महसेकर में बच्चे जो आपके एक्यूज थे जनरल ओ डायर ठीक है माइकल ओ डायर तो उन्हें जो है आपका 1940 में आपने सरदार उधम सिंह वाली मूवी देखी होगी 1940 में ये सरदार उधम के द्वारा मार दिए जाते हैं ठीक है नाइनटीन फोर्टी में जो है इन्होंने बदला लिया था इसके चीज का ठीक है और यहीं से आपका शुरू हो जाता है अब जो क्रांतिकारी मूवमेंट को चलाने वाले जो लोग हैं भगत सिंह हो गए चंद्रशेखर आजाद हो गए इनका जन्म बच्चे यहीं से होना शुरू हो जाता है जन्म का मतलब क्या है कि अब जो है लोगों में बदले की भावना जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है तो इसके बाद आप देखेंगे जब क्रांतिकारी मूवमेंट होता है किस तरीके से जो है आपका काकुरी काकुरी डकती हो गई आपकी ठीक है उसके बाद में जो है Uh, डायर की मृत्यु हो गई उसमें से आपका एक एग्जाम्पल है कई तो तो बार जो है सिर्फ इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हर घटना के अंदर पता नहीं हो कोई बात नहीं लेकिन ये तो पता हो कि कौन चीज कब हुई है ठीक है तो ये ईयर बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है सत्रह अठारह उन्नीस बीस अभी तो पूरा का पूरा जब तक आजाद नहीं हो जाते आपके साल बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है एक के बाद एक के बाद एक जो आपकी पूरी एक चेन है ठीक है देखिए जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं इनके एक दूसरे से कोई ना कोई संबंध है ठीक है तो उन्हें जो है कनेक्ट करना सीखिए और हिस्ट्री जो है बहुत आसान है इसी तरीके से ठीक है लेकिन कनेक्ट करना आपको आना चाहिए ठीक हाँ एक और चीज आपका जिलियावाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो इसमें बच्चे एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी गई थी ठीक है नाइटहुड की उपाधि उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वापस कर दी गई थी उसके अलावा जलियावाला बाग हत्याकांड का जो आ, इसकी जांच करने के लिए जो अंग्रेजों के द्वारा जो आपका कमीशन लाया गया था उसे कहते हैं हंटर आयोग उसे क्या कहते हैं हंटर आयोग ठीक है तो हंटर आयोग की जो आपकी रिपोर्ट आई थी उसमें बिल्कुल ही अपोजिट लिखा हुआ था जो सच्चाई थी ठीक है उन्होंने जो दोनों यहाँ पे कमिश्नर थे या फिर जो आपके ऑफिसर थे जिनके द्वारा ये ऑर्डर दिया गया जिन्होंने ऑर्डर का पालन किया दोनों को जो है रिहा कर दिया जाता है लोग मरने वालों की जो संख्या वो बहुत कम बताई जाती है तो इसे जो है 1920 में इसके रिपोर्ट का जो है आपका रिजल्ट आता है और इसे कांग्रेस के द्वारा खारिज कर दिया जाता है ठीक है तो हंटर आयोग भी आपको याद रखना है जलियावाला बाग के बना हुआ जलियावाला बाग की जाँच करने के लिए बनाया गया कमीशन है जिसे कि ब्रिटिशर्स के, के द्वारा बनाया गया था ठीक है तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है ठीक है है तो बहुत कुछ बच्चे यहीं से आगे पढ़ने के लिए लेकिन इतना याद ठीक है, चलिए, अब आंसर बताइए। भारत के 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 संविधान आर्टिकल 361 अकॉर्डिंग अपने कार्यकाल के दौरान किसके खिलाफ अदालत में आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है आर्टिकल 361, बताइए किस चीज से रिलेटेड किससे रिलेटेड है चीफ मिनिस्टर से है प्राइम मिनिस्टर से है वा... वाइस प्रेसिडेंट से है या फिर गवर्नर राज्यपाल से रिलेटेड है अनुज एड का मुझे पता नहीं है सच में मुझे नहीं पता क्यों आता है आर्टिकल आर्टिकल 361 Article 361 बचे ये रिलेटेड है गवर्नर गवर्नर को जब तक ये अपने कार्यकाल पर रहेंगे उनके खिलाफ कोई भी अदालती आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती सेम होता है आपका प्रेसिडेंट के साथ में भी लेकिन आर्टिकल 361 में जो है आपका रिलेटेड है गवर्नर से अच्छा अगला आपको बताना है कौन सा वाला सही सुमेलित है मतलब तीन गलत है एक सही है सही वाला पहचानिए आर्टिकल 19 का, का ए राइट टू तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी 19 के ए में उसके बाद है 19 का ए, राइट टू तो फॉर्म एसोसिएशन संगठन बनाने की आजादी उसके बाद है नाइनटीन जी राइट टू तो असेंबल पीस पीसिबली एंड विदाउट आर्म्स बिना हथियार के शांति पूर्वक जो है आप लोग इकट्ठा हो सकते हैं नाइनटीन जी उसके बाद नाइनटीन बी राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन आप किसी भी नौकरी को अपना सकते हैं कुछ भी काम कर सकते हैं बताओ तीन गलत है बच्चे एक ही सही है आपको वो सही पहचानना है पहचानो कौन सा वाला सही है ए सही है वेरी गुड आर्टिकल 19 का एन सके आर्टिकल 19 का ए आपका सही है राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी आपके 19 के ए में है अगला है भारत में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है क्यों क्यों अधिक है यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर ठीक है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यहाँ पे ज्यादा क्यों है एक तो बर्थ रेट आपका एज वेल एज डेथ रेट रिमेन हाई बर्थ रेट ज्यादा है ठीक है और डेथ रेट ये पहले भी किया हुआ है आपने डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही आपकी ज्यादा है ठीक है दूसरा रीजन है बर्थ रेट हैज फॉलन लेस देन द डेथ रेट कि जो बर्थ रेट है वो आपका कम है जबकि किससे डेथ रेट से, से ठीक है उसके बाद है डेथ रेट हैज फॉलन बट बर्थ रेट रिमेन्स हाई कि जो डेथ रेट है वो तो गिर रही है कम हो रही है लेकिन बर्थ रेट जो है आपका वो ऊंची ही है हाई है डेथ रेट आपका गिर रही है और लेस देन बर्थ रेट बर्थ रेट से कम ठीक है बताइए कौन सा वाला सही है बच्चे भारत में जनसंख्या वृद्धि दर क्यों ज्यादा है कौन सा वाला सही है बच्चे बर्थ रेट और डेथ रेट जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही हाई हैं, दोनों ही उच्च है भारत में इसके कारण या फिर बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट के मुकाबले में ज्यादा तेजी से गिर रही है ठीक है या फिर डेथ रेट जो है आपकी वो गिर रही है और जबकि रेट जो जन्म दर है वो आपकी ऊपर जा रही है कौन सा वाला सही हो सकता है जनसंख्या वृद्धि दर क्यों ज्यादा है ऑप्शन नंबर बी विनीत वेरी गुड बर्थ रेट हैज फॉलन लेस देन द डेथ रेट ठीक है डेथ रेट बच्चे जो यहां पे है उसका अगर कंपैरिजन करें बर्थ रेट के साथ में तो ये आपकी बहुत मतलब कंपैरिजन में ये आपकी गिर रही है कम हो रही है ठीक है और ये भी कम हो रही है लेकिन कंपेरिटिवली जो है आपका बर्थ रेट तेजी से गिर रही है ठीक है ये इसका एक रीजन है जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने का अगला है अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा अनुसूचित बैंक ये किसकी लिस्ट में जो हैं आपके है आपके रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के आरबीआई के फाइनेंस मिनिस्ट्री के या फिर एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसूचित बैंक क्यों कहते हैं हम किसी बैंक को अनुसूचित बैंक शेड्यूल बैंक इनको रजिस्टर्ड होना होता है किसके साथ में किसके साथ में रजिस्टर्ड होना होता है ई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में ठीक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बच्चे जो जो अधिनियम है 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 1934 का उसमें जो है आपका अनुसूची शेड्यूल है, है, और उसमें जो लिस्टेड बैंक है, वो RBI के द्वारा कहलाए जाते हैं शेड्यूल बैंक ठीक है तो अनुसूचित बैंक जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में निम्नलिखित में से कौन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था बताइए कनिष्क का फिजिसियन कौन था इनमें से कनिष्क का दरबारी चिकित्सक वसुमित्र नागार्जुन चरक या फिर पतंजलि कनिष्क का राजा बचे कनिष्क इसके साथ में दरबारी चिकित्सक कौन था ये था चरक चरक दाब को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है ये काफी आसान है दाब को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं बैरोमीटर कहते हैं बैरोमीटर एयर प्रेशर अगला है फिनलैंड उत्तरी अटलांटिक संधि यानी कि नाटो का इकतीसवा सदस्य बन गया है फिनलैंड की राजधानी क्या है हमने करंट अफेयर में पढ़ा था कि नाटो में जो है एक और मेंबर ऐड हो गया है फिनलैंड वो देश है ठीक है कौन से नंबर का इकतीसवां मेंबर है नाटो का फिनलैंड की राजधानी बताइए फिनलैंड एक यूरोपियन कंट्री है इसकी कैपिटल बताइए क्या है कैपिटल क्या है बच्चे फिनलैंड की कौन सी है हेलिंसकी वेरी गुड ठीक है फिनलैंड की कैपिटल अगला है विश्व बैंक के अनुसार वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग धीमी आय के कारण उपभोग में कमी के कारण वित्त वर्ष 2024 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत तक कम होने की उम्मीद है बताओ यह आपका 2024 के लिए किसकी भविष्यवाणी विश्व बैंक की हमारी जीडीपी के लिए क्या कहा इन्होंने भारत की जो जी रेट है जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितने परसेंट तक कम हो जाएगी सिक्स पॉइंट थ्री वेरी गुड छह दशमलव तीन प्रतिशत तक ठीक है छह दशमलव तीन प्रतिशत तक अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक प्रवीण सिन्हा को किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ और प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है बताइए प्रवीण सिन्हा कौन सी कंपनी के सीईओ वर्तमान में और एमडी कौन सी कंपनी है यह है आपकी टाटा पावर ठीक है टाटा पावर में वर्तमान में सीईओ और एमडी के पद पर हैं प्रवीण सिन्हा अगला है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सीएमआईई के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 में भारत की बेरोजगारी दर कितने परसेंट तक बढ़ गई थी बताओ मार्च 2023 में पूछा है आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया कितनी परसेंट तक बढ़ी थी बच्चे बेरोजगारी दर वर्तमान में भी ऐसे ही याद रखना इसे हमेशा अभी जो है आपका इतना ही चल रहा है ये लगभग कितना है सेवन पॉइंट एट परसेंट सात दशमलव आठ प्रतिशत ठीक है सेवन पॉइंट एट परसेंट अगला एयरटेल के सहयोग से किस भुगतान बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों को आसान और सुविधाजनक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं बताइए एयरटेल के साथ में कौन सा पेमेंट बैंक है कौन सा भुगतान बैंक है जिसके द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज शुरू की गई थी कौन सा बैंक है WhatsApp बैंकिंग सर्विसेस कौन सा पेमेंट बैंक है बच्चे एयरटेल के साथ में मिलकर के कौन सा पेमेंट बैंक ने यह सर्विस शुरू की थी पढ़ा है आपने इसे आईपीपीबी आईपीपीबी यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ठीक है आईपीपीबी प्लस आपका एयरटेल दोनों के द्वारा जो है आपका एक व्हाट्सएप सर्विस शुरू किया गया था व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस शुरू की गई थी अगला है सरकार ने अप्रैल से जून 2023 तिमाही के लिए अधिकांश डाकघर बचत योजनाओं पर ब्याज दरें कितने परसेंट तक बढ़ा दी थी बताओ ब्याज दर इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाई गई थी कितने परसेंट और किसके लिए डाकघर के लिए ठीक है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के लिए अप्रैल से जून का जो क्वार्टर है 2023 का उसमें कितने परसेंट तक ब्याज दरें बढ़ाई गई इंटरेस्ट रेट बढ़ाई गई गवर्नमेंट के द्वारा ब्याज दर क्यों बढ़ाई जाती है बच्चे ताकि लोन लोग जो है ज्यादा लोन ना ले सके ठीक है और लोन नहीं लेने का रीजन क्या है महंगाई हो जाती है इन्फ्लेशन हो जाता है मनी में मार्केट में मनी बहुत ज्यादा हो जाता है उसे कंट्रोल करने के लिए कितने परसेंट तक बढ़ा दी थी जीरो पॉइंट सेवन परसेंट बढ़ाई थी ठीक है जीरो पॉइंट सेवन परसेंट अगला है हाल ही में अरब सागर में वरुण युद्धाभ्यास हुआ कौन कौन से देश इन्वॉल्व थे इसमें वरुण अरेबियन सी अरब सागर में वरुण नाम से एक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया कौन कौन से देशों की सेनाएं इसमें शामिल थी एंड फ्रांस ठीक है वरुण नेवल एक्सरसाइज पे अरेबियन सी में 2023 का इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में अब ध्यान से पढ़ना देखिए सबसे पहले है चाइना के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन ठीक है उसके बाद में है भारत में कपास का उत्पादन दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग पच्चीस प्रतिशत है और इसे अक्सर व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है यहाँ पे ठीक है उसके बाद में है सिंथेटिक फेरोमोन फेरोमोन का उपयोग करके संभोग विघटन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग गुलाबी बॉलवम पतंगों की आबादी को नियंत्रित करने और कपास की फसलों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए किया जा सकता है एक तकनीक का नाम आपको दिया हुआ है एक टेक्नोलॉजी का नाम बच्चे आपको दिया हुआ है ठीक है जिसका नाम है आपका सिंथेटिक फेरोमोन्स सिंथेटिक फेरोमोन्स ठीक है सिंथेटिक फेरोमोन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है एक आपका कीड़ा है जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है भारत में हिंदुस्तान में कपास की खेती को जिसका नाम आपका क्या है ब्लू वम कहा गया ये गुलाबी ब्लू पिंक ब्लू वम इसका नाम है ठीक है पिंक ब्लू वम नाम है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है तो इसके नुकसान से नुकसान जो होता है इसके कारण उसे कंट्रोल करने के लिए जो है हम सिंथेटिक फेरोमोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है ठीके? और उससे क्या होगा एक तो इससे बच, बचाया जाएगा और दूसरा है कपास की फसलों को जितना भी नुकसान होता है वो आपका कम होगा बताओ कौन कौन सी बातें सही हैं सिर्फ दो इसमें तीनों सही है सबसे तो है। के बाद दूसरे नंबर पे हम कॉटन के मामले में ठीक है दूसरे क्या है वाइट गोल्ड भी इसे कहा जाता है एक तो भारत की कॉमर्शियल क्रॉप है बच्चे ये भी याद रखना जिसे जो है कॉमर्शियलाइजेशन किया गया है इकलौती क्रॉप है ये भी याद रखना ठीक है कॉटन का हम जो है आपका वाणिज्यकरण किया हुआ वा है इसे जो है आ, हम आयात तो निर्यात के लिए जो है उगाते हैं भारत में ठीक है तो ये आपको याद रखना है भारत में कपास का उत्पादन दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 25% परसेंट है दूसरे नंबर पे है तो 25% प्रतिशत है ठीक है और इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है दूसरा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका मेटिंग डिस्टन अब सिंथेटिक फेरोमोन्स बचे इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है ताकि जो ब्लू वॉर्म ब्लू वॉर्म ब्लू वॉर्म क्या है एक कीट है जो कि इसकी फसल को कॉटन की फसल को नुकसान देता है ठीक है तो इसकी जनसंख्या को इसकी आबादी को कम करने के लिए कंट्रोल करने के लिए इसका, इसका इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो क्या किया जा सके इन्हांस किया जा सके ठीक है तो इसमें तीनों ही बातें सही हैं तीनों बातें सही हैं इसमें अगला प्रश्न जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आज तक की सबसे ज्यादा शक्तिशाली टेलीस्कोप है जिसे नासा ने बनाया हुआ है ठीक है तो देखिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एस एन वन नाइन एट सेवन ए सिर्फ इसे याद नहीं करना है कि एक छवि एक तस्वीर जारी की एक फोटो जारी की जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है निम्नलिखित में से कौन इसका सबसे अच्छा वर्णन करता है आपको इसके बारे में बताना है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है ठीक है स्ट्रिंग ऑफ पल्स इसकी अभी फोटो जारी की थी किसने जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है नासा के द्वारा अभी तक का दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली टेलीस्कोप है ठीक है ये क्या कर रहा है बच्चे अंतरिक्ष में फोटो ले जा रहा है ठीक है और यहाँ भेज रहा है तो अभी जो है इसने स्ट्रिंग इस ऑफ पल्स की फोटो भेजी थी तो आपको बताने की ये है क्या चीज स्ट्रिंग ऑफ पल्स ठीक है सबसे पहला है आपका यह शनि की गहरी बादल परत में रिक्त स्थान को संदर्भित करता है जो ग्रह की आंतरिक गर्मी से प्रकाशित होने पर चमकता है शनि ग्रह से रिलेटेड है स्ट्रिंगो ठीक है दूसरा है आपका यह एक सुपरनोवा है जो कुछ दशक पहले पड़ोसी आकाश गंगा में विस्फोट हुआ था ठीक है उसके बाद है आपका यहाँ के स्टारलिंक उपग्रहों का एक निशान है जो रात के आकाश में चलती रोशनी की तरह दिखता है या फिर इनमें से कोई भी नहीं स्ट्रिंग पल्स सुना है किस, आ, किसी ने इसके बारे में साढ़े दस बजे आपकी साढ़े दस बजे बच्चे, बच्चे कल से क्लास हैगी बी एच ई -E एल के लिए ठीक है जो आपके मिसलिनियस टॉपिक होते हैं उसमें कोई सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं होंगे हिस्ट्री जोग्राफी ये नहीं ठीक है मिसलिनियस जो टॉपिक होते हैं आपके साइंस एंड टेक हो गया डिफेंस हो गया स्पोर्ट्स हो गया ठीक है उससे रिलेटेड स्टेटिक जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आर्ट एंड कल्चर हो गया बहुत सारे टॉपिक होते हैं स्टेटिक में जो हम अक्सर पढ़ना भूल जाते हैं तो वही जो है आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा क्या है ये एस एन वन नाइन एट सेवन ए वेरी गुड बहुत अच्छा दिमाग लगाया है एस एन का मतलब है सुपरनोवा स्टार जब मरता है आपका ठीक है बिग बैंग थ्योरी में आप लोगों ने देखा होगा उसके बाद में जो है आपके बहुत बड़ा विस्फोट होता है ठीक है तो सुपरनोवा है जो कि अभी कुछ दशक पहले कुछ डिकेट पहले बच्चे हमारी पड़ोसी आकाशगंगा में देखने को मिले था उसी का नाम रखा हुआ है स्ट्रिंग ऑफ पल्स ठीक है स्ट्रिंग ऑफ पल्स ये एक सुपरनोवा है इसकी तस्वीर भेजी थी अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ठीक है उसके अलावा यहाँ पे इंटरेस्टिंग कौन सा है स्टारलिंग उपग्रह ये तो आप सभी ने देख लिए होंगे अभी तक आसमान में स्पेस एक्स ने भेजे हुए हैं ये बहुत लंबी सी कतार दिखती है कभी कभी आसमान में आ,

सेशन होता है समाप्त कल से आपके लिए एक और चीज इंक्लूड होने वाली है इस क्लास में ठीक है कल ही देखेंगे क्या है वो चलिए बच्चे आज के सेशन को यहीं पे शुरू कर खत्म करते हैं और कल से जो है आपकी एक नई क्लास होने वाली है साढ़े दस बजे होगी बी का जिस बच्चे का एग्जाम है वो किसी भी ट्रेड से होता है मैकेनिकल से भी है मैकेनिकल के बच्चों के लिए भी है सिविल के लिए भी है एचआर के जो बच्चे हैं उनके लिए भी है ठीक है तो जो आपका नॉन टेक वाला पोर्शन है वो वहाँ पे कंप्लीट कराए जाने की कोशिश करेंगे ठीक है और आप लोग जो बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि बी हो या कोई भी पीएसयू हो बच्चे लेवल तो आपका सेम ही रहने वाला है ठीक है एस थोड़ा सा ऊपर जाता है लेकिन बाकी जो पी एस है उनका लेवल सेम ही रहता है और ये ऐसे टॉपिक है मिसलिनियस का जो टॉपिक है वो हम अक्सर पढ़ना भूल जाते हैं है। हमें लगता है ये आसान है सबसे ज्यादा आसान है लेकिन अगर आप वेटेज देखें तो बाकी सारे सब्जेक्ट से कहीं ज्यादा जो है वेटेज होता है आपका मिसलिनियस का ठीक है तो मिसलिनियस को हम अक्सर छोड़ देते हैं लेकिन उसे छोड़ना नहीं होता है ठीक है चलिए फिर कल से नहीं क्लास में भी मिलना आप लोग ठीक है और ये तो आपकी जारी रहेगी तो मिलते हैं कल तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए अपना खूब सारा ख्याल रखेगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद